और लैंडस्लाइड भी हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। ऑफ रोड पता नहीं कब तक है। ये देखो भाई, भाई जिससे डरते थे वही बात हो गई, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह हुई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कल मैं शाम को यहाँ पे आ गया था, ये होटल जैसे तैसे मुझे मिल गया, क्योंकि भाई संडे था और शिमला आपको पता ही है दुनिया भर की भीड़ आती है, इतना ट्रैफिक था शिमला। तो मैं आ गया था 3 बजे, लेकिन 5 बजे मुझे जाके ये होटल मिला, जो कि शिमला से थोड़ा सा आगे है, सिटी से बाहर है। तो भाई मैं थक गया था बहुत बुरा, बस मैं आया और बस मैं सोता ही रहा पूरे टाइम, खाना वाना खाया मैं सो गया। और अभी भी मैं उठाऊँ करीब 9 बजे और अभी 10:30 बज रहे हैं, नहाया धोया थोड़ा पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करूँगा, चाय वाय पीऊँगा और फिर निकलता हूँ। हाँ तो भाई टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं और 15 मिनट पहले मैं निकला था, और जहाँ मैं ठहरा था वहाँ से करीब 239 किलोमीटर दिखा रहा था चितकुल। तो अपन चितकुल की तरफ जा रहे हैं अभी, तो 15 मिनट में 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर चल पाया हूँ, क्योंकि ऐसी रेंग रेंग के चल रही हैं गाड़ियाँ, उनके पीछे आराम से चल रहा हूँ अभी तो मैं, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रैफिक भी कुफरी वफरी तक ही है, उसके बाद नहीं होगा इतना ट्रैफिक, तब अपन कवर अप कर लेंगे उसको। इतनी सक्री रोड पर क्या ना ओवरटेक करने का भी ज़्यादा वो नहीं होता यार, क्यों करो फालतू ओवरटेक करते रहो, करते करते भी थक जाओगे, इतना लंबा जाना है तो आराम से चलो यार, क्या टेंशन है। अब दिखाता हूँ आपको जाम तगड़ा, अभी हम खुद ही फंसे हुए थे इस जाम में, पीछे रोड बन रही थी, और ऐसे में तुम रोड बनाओगे, ब्लॉक करोगे रोड को, तो फिर क्या हाल होगा। करीब 1.5 किलोमीटर से तो ये ऐसा ही जाम है, और जिस हिसाब का हाल मैं देख रहा था वहाँ रोड बनने वाला, मुझे लगता नहीं है जल्दी खुलेगा, ये बढ़ता ही जाएगा ये जाम। देखो बस बाइक वाले आगे दिख रहे हैं आपको, बस यही निकल पा रहे हैं, बाकी गाड़ी वाले तो पीछे ही फंस गए सब, ये सारे राइडर ही हैं अलग अलग जगह से आए हैं। देखो भाई ये बहुत लंबा जाएगा जाम, बहुत लंबा। सो जाओ भैया, कुछ नहीं है यहाँ, नहीं निकल पाओगे, गाड़ियाँ करो बंद और सो जाओ। यहाँ बेचारे कार ले लेके आते हैं वादियाँ देखने के लिए, ट्रैफिक में फंस के रह जाते हैं, सब वादियाँ दिख जाती हैं उनको। यार हम ही इतनी मुश्किल से निकल पाए हैं कि कुछ पूछो मत, जैसे तैसे लेन चेंज कर करके, ओवरटेक कर करके, पुलिस वाले से डांट खा के तो ये बेचारे ये कैसे निकल पाएंगे। तो मुझे 1 घंटा हो चुका है निकले हुए, और 1 घंटे में मैंने कवर किए हैं 20 किलोमीटर इस स्पीड से, तो हो गया भाई, उस ट्रैफिक ने यार बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया, और कुफरी हो गया क्रॉस, और नज़ारे देखो ज़रा बेहतरीन वाले। अभी काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ मैं, अब खाली रोड मिल रही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बीच में जो छोटी मोटी टाउन वाउन से पड़ते हैं बस वहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, बाकी तो ठीक है भाई। मौसम हो गया हल्का हल्का ठंडा, मैंने जैकेट की इनर लाइनर अपने इस वाले बैग में डाल ली, जब लगेगा ना कि भाई ठंड बर्दाश्त के बाहर जा रही है तो वो पहन लूँगा जैकेट के अंदर। देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं, और इस रोड पे ट्रैफिक ना के बराबर है बिल्कुल, इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं आती जाती, नहीं तो बिल्कुल ना के बराबर है। यार ये ऊपर न जाने किस चीज़ की खेती है, पेड़ पेड़ से हैं, इनको ढका हुआ है ये वाइट जालियां टाइप की, ये क्या है अगर किसी को पता हो तो यार बताओ कमेंट में। इसे ATM से थोड़ा सा कैश निकाल लिया मैंने, क्योंकि कैश बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, और मैं थोड़ा सा रिमोट एरिया में जा रहा हूँ पहाड़ वहाड़ पर, क्या पता वहाँ पर UPI कार्ड वार्ड चले ना चले, कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा कैश होना ज़रूरी है। इस जगह का नाम है मटियाना, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, छोटा सा टाउन है भाई। हिमाचल यार सुंदर बहुत है, कुछ भी कहो। एक तो ना यहाँ पे हिमाचल में एक जैसा टेरेन नहीं है, हर 50-60 किलोमीटर पर टेरेन पूरा बदल जाता है, ऐसा लगेगा नई जगह आ गया। तो जो पहाड़ हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा चेंज सा हो जाता है, कभी ये पाइन ट्रीज दिखने लगते हैं लंबे लंबे, कभी एकदम बिल्कुल ही सूखा हो जाता है, कभी कभी ये ज़िगज़ैग रोड रहती है, कभी कभी बिल्कुल ही प्लेन हो जाती हैं, इसीलिए राइड करने में मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि नया नया दिखता रहता है सब। कान बंद हो गए मेरे,
ऐसा लग रहा है कोई साइलेंट पिक्चर चल रही है सामने सुना ही नहीं दे रहा कुछ भाई, यहीं कुछ खा लेता हूँ, भूख सी लग रही है। अपने नए सब्सक्राइबर बने हैं अभी छोटे, दिखाता हूँ आपको। हेलो बोलो। खा लिया है खाना अपना, वही यूजुअल आलू का पराठा, दही और चाय, और एक प्यारी सी फैमिली भी मिल गई, लवली पीपल, अच्छी कन्वर्सेशन हुई, आई हैड अ नाइस टाइम। इस पहाड़ को देखो भाई साहब, क्या है ये, इतना विशाल। ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना तो समझ में आता है कि आप कितने छोटे हो। 100 किलोमीटर्स अपने पूरे हो चुके हैं गाइस, जिसमें अपने को लगे हैं पूरे के पूरे 4 घंटे। तालियां भाई, 4 घंटे में 100 किलोमीटर, और अभी भी मंजिल करीब 150 किलोमीटर है, तो मंजिल को चेंज करना पड़ेगा जो पहले आ जाएगी वही मंजिल है। मैं अपनी इस ट्रिप की पहली नदी है, अभी नदी है कौन सी ये नहीं पता मुझे, बट बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मस्त राइड चल रही है, सुंदर सुंदर नज़ारे देख रहे हैं। बस ये ऑफ रोड पता नहीं कब तक है, इसका भी जुगाड़ होना मांगता। देखो भाई व्यू देखो, इतनी साफ नदी है यार, कितनी मस्त लग रही है। ये आ गई है भाई रामपुर सिटी। सिटी आते ही हल्का हल्का ट्रैफिक चालू, हालांकि यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन वो शिमला के पास जितने भी शहर थे भाई साहब बहुत ट्रैफिक था, ऊपर से रोड भी बन रही थी तो और ज़्यादा हो गया था। रामपुर शहर का नाम कितना कॉमन है ना, कितने सारे शहर होंगे इंडिया में रामपुर के नाम से, एक तो यूपी में है, ठीक यहाँ है, और भी कहीं ना कहीं होंगे पता नहीं मुझे। भाई साहब काले बादल मंडरा रहे हैं ऊपर, तो मेरा तो रिकॉर्ड है जब भी निकलता हूँ बारिश ज़रूर होती है, आज ना हो जाए। इधर बारिश हुई तो है, रोड भी गीली है और वो मिट्टी वाली खुशबू भी आ रही है गीली मिट्टी की, पर अच्छा हुआ मेरे आने से पहले ही आ गई, अब तो आसमान साफ दिख रहा है, अब शायद ही आएगी अभी ना। यार ये मौसम इतना गजब लग रहा है कि कुछ पूछो मत, लेकिन अगर थोड़ा सा और ये आगे बढ़ा ना तो बिगड़ जाएगा तगड़ा वाला, क्योंकि अभी पीछे हल्की हल्की आंधी सी आई थी, और आंधी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ना आंधी ना बारिश। तो देखो सामने कोहरा ही कोहरा, हो इतना कर्रा भाई साहब, अलग लेवल का फॉग। अब आइए रोड, अभी तक तो बड़ी अच्छी अच्छी रोड पे घूम रहे थे सब। यहाँ पे किया है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के आगे नहीं जाने देते, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, नाम नंबर गाड़ी का नंबर, कहाँ जा रहे हो, एड्रेस, पिन कोड, सब सही है, ये होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए भाई। भाई जिससे डरते थे वही बात हो गई, हल्की हल्की बारिश आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी, पर ठीक है आ गई है तो क्या करें, अब कुछ देर तो चलाना ही पड़ेगा बारिश में। यार ये देखो यार, इतनी सुंदर जगह है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, पर से बारिश और हो गई है यहाँ पे, तो मौसम इतना गजब है ना, अल्टीमेट। देखना जरा मैं कितना कर रहा पानी कर रहा है झरने में से,
ये देखो भाई, ये का है, ये जो है बहुत गजब है। हाँ तो भैया, ये अपडेट है कि अभी आप जो देख रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना डायरेक्शन मोड़ लिया है, मैं वापस की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी दो राइडर भाई आ रहे थे टपरी वाले रास्ते की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया अभी यहाँ से आगे जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उधर और लैंडस्लाइड भी हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से और बहुत कीचड़ भी है। वो लोग भी लौट के आ गए थे वहाँ से। तो भैया अपना तो ये है कि अपन ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं। आज मैं लौट के जो सबसे नियरेस्ट सिटी होगी उसमें स्टे कर लूँगा और देखूँगा, कल पता करूँगा कि कल मौसम कैसा है, फिर अपन निकलेंगे आगे की तरफ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। क्योंकि भैया रिस्क वाला काम नहीं करना, पता होते हुए कि वहाँ पे आगे डेंजर है, ख़तरा है, लैंडस्लाइड हो रही है, फिर भी जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो भाई वहाँ से लौट के मैं करीब 20 किलोमीटर वापस आया और ये छोटा सा कोई मार्केट है ऑन रोड, लेकिन होटल बहुत बढ़िया मिल गया है। ये है होटल अपना, और नहा भी लिया हूँ मैं, मस्त फ्रेश हो गया, और अब यहाँ पे बाहर बाइक रखने की भी जगह है तो ओपन ही। ये देखो व्यू, शायद दिख रहा, दिखेगा नहीं रात को, लेकिन अच्छा व्यू है यहाँ से। और वो अपनी बाइक रखी है उधर, और दो तीन बाइक भी आ गई है शायद। काफ़ी बंदे लौटे हैं वहाँ से, उस रास्ते से। तो यार अब सुबह ही पता चलेगा कि रास्ता जाने लायक है या नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह हुई है तो पत्थर तो अभी भी गिरे हुए होंगे, और बारिश हुई है तो कीचड़ भी ऑब्वियसली रहेगा, इतनी जल्दी तो साफ़ नहीं हो जाएगा रास्ता। पर सुबह एक बार ट्राई करूँगा, पता करूँगा यहाँ लोकल से कि रास्ता कैसा है, अगर ठीक होगा तो निकलूँगा, नहीं तो ऐसी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत तो है नहीं। तो भाई आज का व्लॉग यहीं करता हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।